नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के आवास के सामने आज जमकर हंगामा देखने को मिला, जहां जाप के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। दरअसल पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष कुमार के गिरफ्तार किए जाने के विरोध में आज सभी छात्रों ने सुशील कुमार मोदी के घर का घेराव करने की कोशिश की, जिसके बाद वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, तस्वीरों में देखिए, ये सुशील कुमार मोदी के आवास के बाहर की तस्वीर है, जहां पर जाप के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर पहुंचे हुए थे। उन लोगों का कहना है कि पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं मनीष कुमार, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए, इसको लेकर उनके हाथों में आप एक पोस्टर भी देख रहे होंगे। देखिए कैसे उनके हाथों में वो पोस्टर है, तख्ती लेकर वहां पर खड़े थे, प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद वहां पर मौजूद पुलिस ने वहां से उन्हें जाने के लिए कहा, लेकिन उनका प्रदर्शन और भी ज्यादा बढ़ते गया, जिसके बाद पुलिस और उनके बीच थोड़ी नोकझोंक भी हुई, फिर बाद में पुलिस ने उन्हें खदेड़ कर वहां से भगा दिया है। साथ ही साथ इसमें दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सुशील कुमार मोदी जी के आवास पर प्रदर्शन करने छात्र पहुंचे थे, क्या कुछ कार्रवाई की गई है यहाँ पर? करवाई गई तो सब सोचे थे घेराव करने के लिए, यहाँ घेराव करने की जगह नहीं है, और जिसमें से कुछ असामाजिक तत्व के लोग थे तो दो के हिरासत में लेकर के हम लोग थाना भेजे हैं और आगे कार्रवाई की जाएगी। उसको हम ये सवाल प्रशासन से पूछना था, दूसरा प्रशासन कहाँ थी जब 302 का मुकदमा था और छात्र संघ चुनाव लड़ रहा था? इसका मतलब फंसाया जा रहा है मनीष को। क्या कुछ मांगों को लेकर यहाँ पे आप लोग आए थे? हम लोग छात्र एक मनीष कुमार है, उनकी रिहाई नहीं हो पाई, उसी के लिए हम लोग और भी लोग हैं।